प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए गेट इंस्टॉल चैनल को और साथ ही में प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके आप ही की लाइफ से जुड़ी हुई रोजमर्रा की टिप्स और ट्रिक्स सबसे पहले। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आ गया हूं एक और नई इस वीडियो में जिसमें मैंने आपसे किया था एक वादा, उसको करने वाला हूं मैं पूरा। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसको देखने के बाद आप अपनी बाइक की जो माइलेज है दोस्तों, उसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकेंगे, बढ़ा सकेंगे। जो लोग चाहते हैं अपनी बाइक की ऑनेस्टली माइलेज बढ़ाना, उसके लिए ये वीडियो है। दूसरी चीज, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों मुझे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। मैं ऑनेस्टली आपका बहुत आभारी हूँ। ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए सीधा चलता हूँ वीडियो की तरफ। कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी दोस्तों अपने बाइक की माइलेज को बढ़ाने के लिए। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों एक स्क्रू ड्राइवर की, ब्रश की, एसी कंटेनर की, साथ ही में हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों इसकी। जी हाँ, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, मुझे पता आपका दिमाग कहाँ जा रहा है। ये है दरअसल दोस्तों पेट्रोल, और हाँ ये है दोस्तों मसाला सोडा। तो सबसे पहले बात करते हैं माइलेज क्यों कम हो जाती है बाइक की, स्टार्टिंग में आई हुई माइलेज क्यों कम हो जाती है, या फिर आई हुई माइलेज को भी आप बढ़ाना चाहते हैं किसी बाइक को। कोई बाइक 45 की दे रही है तो आप उसे और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले बता देता हूँ, माइलेज का सारा खेल हमारा शुरू होता है हमारे इससे। तो ये रहा हमारा कार्बोरेटर। दरअसल बता देता हूँ, ये हमारे जो गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर हैं सुजीत भाई, उनका है। और बाकी सभी जो गिव अवे के विनर्स हैं उनमें एक या दो बच रहे हैं, तो बाकी आशा करता हूँ सबको मिल गए होंगे उनके सामान। शुक्रिया जैसे कि आपने मुझे बताया। बाकी जो बच रहे हैं रेस्ट, आप मुझे जल्दी से जवाब दे दें वरना मुझे कहीं और किसी और को चूज करना पड़ेगा। अब इसी कार्बोरेटर के ऊपर मैंने वीडियो बनानी थी, इसलिए ही मैंने इसे होल्ड करा था आपसे कहकर, वरना मुझे दोबारा से वो सारा काम करना पड़ता। अगर आपको किसी को देखना है कैसे कार्बोरेटर उतरता है, कैसे चेंज होता है, कैसे पलटता है, तो वो इससे पहले की जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देख ले कि क्या है उसमें, मैंने सब कुछ बताया। टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सीधा यहाँ पे फोकस करना चाहा। और उसके बाद मुझे करना क्या पड़ेगा अपने कार्बोरेटर को, मुझे अपने कार्बोरेटर को खोलना पड़ेगा। दोस्तों खोल लेता हूँ मैं इसे। खोलने के लिए जैसे कि मैंने कहा, एक स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे ऊपर जो दो स्क्रू हैं मेरे, इनको खोलना पड़ेगा। तो खोल देते हैं सबसे पहले इन्हें। खोलते ही निकलती है सबसे पहले एक स्प्रिंग, उसके नीचे होता है कुछ इस तरीके की एक रबड़ और अंदर का हिसाब किताब। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ इस सब चीज़ की जो पूरी कहानी क्यों शुरू होती है। आपका बाइक का कार्बोरेटर हो जाता है चौक। चौक क्या होता है बता देता हूँ। ये रहा दोस्तों, ये ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ कहीं वाइट है, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे शाइनियर है और यहाँ पे डार्कर है। जैसा मैंने बताया पेट्रोल, उनमें से किसी भी चीज़ को आप यूज़ करके कर सकते हैं इसकी सफाई। तो सबसे पहले पूरे कार्बोरेटर को खोलना पड़ेगा हमें सारे के सारे। अब जैसे मैंने ऊपर से खोला, वैसे ही दोस्तों नीचे से भी खोलना पड़ेगा इसे। दोस्तों इसे खोलते के साथ ही हमें नीचे कुछ चीज़ें मिलती है, जैसा कि पहला, और यहाँ होते हैं हमारे जेट। बहुत पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको जेट के बारे में बताया था वो क्या होता है। तो वो जेटिंग क्या होती है बेसिकली, ये हमारे यहाँ पे दो तरीके के जेट होते हैं, पायलट जेट और उसके बाद मेन जेट। तो यहाँ होता है हमारा मेन जेट और हमारा पायलट जेट यहाँ अंदर की तरफ। तो ये दो जेट होते हैं। नंबरिंग भी होती है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि हाँ भाई कार्बोरेटर कम है ज़्यादा है। तो इसकी एडजस्टमेंट के लिए आपको जेटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ये कार्बोरेटर चौक हो रहा है। चौक इसलिए होता है दोस्तों, हाथ देख सकते हैं आप, ये होता है सारा का सारा हमारा फ्यूल, जो कि यहाँ पर फ्यूल और एयर, जिस वजह से ऐसा हो जाता है। खोल दिया मैंने ऑलमोस्ट इसे, दोनों जेटों को भी उतार लेता हूँ। साथ ही में ये जो हमारा एक कंटेनर देख सकते हैं आप इधर की तरफ, मैं इसे भी निकालूंगा। तो निकाल लेते हैं इसे भी। ये मैंने इसे निकाला, और यहाँ पर इसके साथ आती है हमारी एक नीडल, ये रही कुछ इस तरीके की। उसके बाद मैं खोल देता हूँ बाकी के दोनों जेट। काफ़ी मामले में अगर आपकी बाइक बिल्कुल भी माइलेज वगैरह नहीं देती तो आपको इन जेटों को भी चेंज कराना पड़ता है, क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि इन्हीं की वजह से इनमें ब्लॉकेज आ जाती है, जिस रीज़न से बाइक क्या करती है उसका फ्यूल कंजम्पशन रुक जाता है। चौक होता है कार्बोरेटर और फ्यूल ज़्यादा पीती है और उसके बाद माइलेज नहीं देती बिल्कुल भी, तो कई सिनेरियो में इन्हें भी चेंज कराना पड़ता है। उसके बाद खोल दिया ये ऑलमोस्ट मैंने पूरा का पूरा कार्बोरेटर, यहाँ से इसकी चौक को भी उतार लेते हैं। ये रही दोस्तों चौक, तो ऑलमोस्ट मैंने पूरा कार्बोरेटर खोल दिया है इसका, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इन सारे के सारे जो हमारे ये पार्ट्स हैं, इन सारे के सारे पार्ट्सों को हम करेंगे क्लीन अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, इसको आप एक तरफ रख दीजिए, जो मेन खेल है वो इसका है, इसमें एडजस्टमेंट करनी है। इसको पूरे के पूरे को हम क्लीन करेंगे, तो कर लेते हैं हम क्लीन हम चीज़ों का यूज़ करके।
मैंने आपको बताया, इसकी पहले सबसे पहले कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनको खोलना पड़ेगा। जैसे पहले बताता हूँ, इसके अंदर आप देख सकते हैं नट, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ। तो मैं यूज़ करूँगा एक प्लस का स्क्रू ड्राइवर, और मैं यूज़ करूँगा एक प्लस का स्क्रू ड्राइवर जिसकी हेल्प से मैं इसे खोलूँगा। दोस्तों एक बार कार्बोरेटर को क्लीन ही कर लेने के बाद माइलेज पे 5 से 7 का इफेक्ट ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा जब सारी चोक खत्म हो जाएगी उसकी। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है ये, ठीक है, इसको करने के पड़ेगा जो हमारी निडल है, यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारी निडल है, इस निडल को हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे दो हमें स्क्रू मिलते हैं, इन दोनों स्क्रू को हमें खोलना पड़ता है। तो करना क्या पड़ेगा माइलेज एडजस्टमेंट के लिए, इस निडल को आप जैसे ही यहाँ से खोलेंगे ये निडल नीचे की तरफ से बाहर आ जाएगी। इस निडल पे आपको दिख जाएगी 3 तरीके के वार्सल होंगे, एक वाइट होगा और एक होगा कुछ इस तरीके का। दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, सेम इस निडल को निकाल के इस वार्सल को बाहर निकाल देना है। इस वार्सल को ही बाहर निकाल देने से सीधे 5 माइलेज का इफेक्ट पड़ेगा और पिकअप थोड़ा सा कम हो जाएगा जेन्युइनली, ठीक है। ये हिस्सा ऐसे कैसे लगाकर वापस नीचे से अंदर से कस दीजिए दोनों के दोनों नट, और जब कार्बोरेटर ऑटोमेटिकली क्लीन होगा तो 5 से 7 की एवरेज आपकी पड़ जाएगी आपके ऑटोमेटिकली कार्बोरेटर से, और साथ में ऑटोमेटिकली डायरेक्ट 5 का इफेक्ट पड़ेगा आपके सिर्फ इस वार्सल को निकाल देने से। तो यह है पूरा का पूरा, अपने किसी भी बाइक की बढ़ा सकते हैं माइलेज जेन्युइनली अपने खुद घर पे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार देने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, और नए आए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय आज के लिए।